एक पहलू है, ये है अंतर्वरुच जो अगर अपने इसमें ने पढ़ा हुआ है और ये भी हमारे साथ है 9 साल से, नक्शों का और इन सब का इनको इतना इलम है, तो शायद हमें भी वो आपको थोड़ा सा बोल करेंगे। तो सलमान भाई निकल लिए, हमारा ये है कि सलमान ने कहा था कि हम यूनिट होगी कि हम अपनी आवाज़ को और वो क्यों करेंगे भाई, वो जो बेनिफिट ले रहे हैं वो तो उस सिस्टम का हिस्सा है, खुद अपने अगेंस्ट नहीं लड़े तो उनके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना। अंदर अगर आप देखें जो इन्होंने इदारे बनाए हुए हैं, सीपा मजाक के सिवा कुछ नहीं है। 13 साल से एक मरतबा एक ही बंदा उसका डीजे, किस कानून के तहत है किसी को पता नहीं है। अभी कियामड़ी का जो इंसिडेंट है उनकी रिपोर्ट कल आई है, आप पूछें उन्होंने कोई, उन्होंने कहा कोई हमारी फाइंडिंग नहीं है, जीरो। कितने लोग कियामड़ी में मारे गए, 19 बच्चे। किस चीज से? केमिकल जो फैक्ट्रीज में जो अभी ये तो इशू था, टायर जला के इन्होंने फ्यूलिंग की थी, वो एज़ एनर्जी यूज किया। इस दिन दो कवरेज चल रही थी, उस दिन बीबीसी में दो कवरेज चल रही थी, एक ये कि यूके में एक बच्ची जो है ड्यूरेंट से जो है ना उसका 14 साल की बच्ची मर गई है, तो पूरा स्टेट हिल गया था यूके का, कह रहे इसकी वजह से जो है ना उस कंपनी जो ब्रांड है उन्होंने अपने वो जाहिर क्यों नहीं किया बच्चे के पहुँच से दूर। और दूसरी खबर ये 19 बच्चे जो है ना वो प्लास्टिक के, अभी तक तो इनके केमिकल रिपोर्ट्स भी नहीं आए, जो दो खबरें छपी एक में इधर भी एक बच्ची मरती है, पूरा स्टेट हिल रहा है और यहाँ पे किसी को पता नहीं, कोई भी नहीं। उनसे तो हमें तवक्का नहीं है, ना ही उनके आने का, अगर वो ड्रामाबाजी करने के लिए मीडिया में फोटो सेशन के लिए आएंगे तो हो सकता है आ भी जाएं, लेकिन वी हैव टू बी स्ट्रेट कि रियलिटी क्या है और उस रियलिटी के साथ हमें लोगों को अवेयर करना है। जितने ज़्यादा लोग हम साथ मिला सकते हैं, जो कंसर्न है, जिनको परवाह है, उनको साथ मिला लें। मेरे ख्याल में वो नहीं, वो बहुत पावरफुल, मैंने शुरू से बहुत पावरफुल, कोई नहीं जाएगा, कोई भी मिनिस्ट्री हो सिंध का हो या उनका नहीं जाएगा। मैंने कोशिश की, एक्चुअली मैंने आर्टिकल इनके खिलाफ लिखा था जब जो श्री रत्नेश्वर मंदिर है, जो क्लिफ्टन वाला शिव मंदिर है, जब उन्होंने बाहर खुदाई शुरू किया, जो वो एक ब्रिज टाइप का वो, जी जी, उन्होंने अंडर पास, ओवर पास, शिवर पास, ऑल दीज थिंग्स, तो मैंने इनके खिलाफ एक आर्टिकल लिखा और मैंने न्यूज़ को दिया, न्यूज़पेपर है, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं पब्लिश करेंगे। उन्होंने मेरे 3-4-5 आर्टिकल्स उससे पहले पब्लिश किए थे, लेकिन ये नहीं, ये हम नहीं पब्लिश करेंगे। मैं वाइल्ड लाइफ के चैप्टर्स में मुख्तलिफ पब्लिश करवाता हूँ बर्ड्स, तो उनका ये था कि भाई बहरिया मजाक ये कि 2018 में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे कराची प्रेस क्लब में, फीस भी बता की, टाइम भी ले लिया, दूसरे दिन सर गुलसन हमारे साथ थे, वो भी तो उसमें शामिल थे, तो फ़ोन आता है कि भाई आप मलिक रियाज के खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, कराची प्रेस का कराची प्रेस करने के इंतज़ामिया ने कहा कि आप मलिक रियाज के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते और हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं। इवन एक एग्जीबिशन हमने रखा था स्पीशीज और यहाँ के बुशेज वगैरह, यहाँ के जो प्लांट्स हैं, लोगों के साथ हुआ है, वहाँ के एक दो लोगों के जो कोरंगी में हुआ है उनके इंटरव्यूज भी हैं, और जो गटर बागीचा का केस था जो जितना चला उसके जदोजहद उसके हवाले से भी हमने इंटरव्यूज किए। अभी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एरिया के खिलाफ जितना भी है वो भी जब आवाज़ जमा करेंगे। तो शाहान रजानी को आप जानते होंगे, also na fazal program ka naam sunne sare the leader aap samne aate kyun
मगर आपका क्या ख्याल है सिस्टम के बारे में? ये जो सिस्टम जो सिस्टम तो करप्ट है, सिस्टम अवामी ताकत से बदला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट मगर अगर जगह खाली है वो मुझे देंगे जगह? ये आपकी दादा ने बहुत खिदमत की सिंधु वालों की, सिंधी आप नहीं, जो आवाम है वो तो देंगे, मेरे कोई शक नहीं है सिंधी आवाम में, जो भी आवाम है पाकिस्तान में, मेरे कोई शक नहीं है। मगर मगर जो सिस्टम है, मतलब मैं पूरा नहीं बता सकता क्या है, मुझे पता कि खबर है, लेकिन दुनिया के सामने एक्सपोर्ट तो होंगे कि भाई इसने के अवामी ताकत से आया, इसको दे नहीं रहे। ये तो सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करो, सुप्रीम कोर्ट जा कोई भी नहीं सुनेगा, एज ए लीडर आ जाओ, हम आपके सपोर्ट रहे। इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, नहीं साफ इन लोगों ने इतना गंद फैलाया ना, आप एंट्री करके देखें तो सही। मतलब कंपेयर टू देम हम तो बहुत साफ है, हां आप तो साफ है, इन लोगों ने बहुत गंद फैलाया है, बिल्कुल शाइनिंग साफ होना जी। पापा मीर बाबा शहीद मीर मुर्तजा, वो ये कहता था ना कि हर सिचुएशन में आपका आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए, दिल गर्म और हाथ साफ। ये तो है ना। सो मैं कोशिश करता हूँ कि हर कोई चीज में मैं ये फॉलो करता हूँ, फॉलो करने का कोशिश करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। हम यहाँ से चलते हैं, कुछ काम करके फिर चलते हैं, फिर अंदर वो सारा एक तो चीज़ें ऐसी हैं, एक तो गांव, एक तारीखी जगह, और वो जो नहीं वो उर्दू में नहीं, माहौल माहौल तो समझ गए। जब आपका ये विजिट कंप्लीट होता है तो हाउस से निकल गए, बहुत काम उससे बहुत दूसरे लेवल पे है। तो अगर अगर कोई डेंजर है तो आप मेरे घर आ जाए। आपके घर में ज्यादा डेंजर रहे। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यार यार कौन से खतरा नहीं, जब आप एक्टिव हो जाएंगे फिर खतरा। डू यू लाइक पॉलिटिक्स? अभी साईं ने ये सवाल पूछा। तो सिस्टम से खतरा है, सिस्टम को छोड़ो। सिस्टम का मतलब सिस्टम का आई डोंट लाइक द सिस्टम, कि एक एक अगर आप आजकल सियासत देखेंगे तो एक गेम बन गया, कोई सीरियस शख्स नहीं है ना। लेकिन इनके तोड़ने के लिए कोई अच्छा शाइन लोग आ जाए पर बेहतर है ना। हाँ नहीं नहीं, मैं हम तो तैयार है, मैं कह रहा हूँ तैयार करो यार, आपका दादे ने आपके बाबे ने बहुत इधर काम किया हुआ है ना, आप आ जाए तो एंट्री तो करके देखें। फातिमा को मेरे हिसाब से पहले तो अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो पहले आप इस तरह के बहुत सारे एक्टिविज्म में एक पोजिशन बना लें, फिर मेरे ख्याल में लोगों को सही डायरेक्शन दिखाना ज़्यादा आसान होगा। अभी तो अगर आप पॉलिटिक्स में आएंगे ना मैंने गौर से देखा, खुद ही मैंने सब कुछ गौर से देखा, मैं इसी मुल्क में रह रहा हूँ बचपन से, रह रहा हूँ बचपन से, यू नो मैंने गौर से देखा। लेकिन आवाम की ताकत है, आवाम की ताकत से कौन नहीं चल सकता है, इस अधिकारी हो या मलक रियाज हो। हां एक इंटरव्यू में कहा कि आप काम करना चाहते हैं एनवायरनमेंट में, जी भाई, और इंडिजिनस बंगाल, मुझे बहुत खुशी भी इस पर है। मैं आपको इस डर्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मैं आपको नहीं देखना चाहता। जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जो मैंने आपके बारे में देखा है, जो वीडियोज देखे हैं, जो काम आप कर रहे हो वो बहुत हाई लेवल का है। लेकिन जो आपने ये कहा कि आप मामला, क्योंकि दुनिया आगे इसी एनवायरनमेंट के लिए ही उसको जंग लड़ना है, और वो जो इंडिजीनियस लोग हैं जो ग्राउंड के, सिर्फ यहाँ मल्ली की नहीं मैं बात कर रहा, अगर आप अब सिविल के अंदर भी जाएँ ना, वो जो इंडिजीनियस जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो किसी खाते में नहीं आ रहा, कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा कोई भी। मसलन अगर सिंध का सबसे बड़ा इशू देखें, वो जो जागीरदार है, वो जो वडेरा है,
सिंध का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो कभी भी नहीं चाहेगा जो एक आम जो सिंधी है ना वो आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक। तो वो इंडिजीनियस मूवमेंट का मेरा जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं कहता रहता हूँ कि सिंध के अंदर दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक जो शाह सूफी शाह इनायत क्या है।